कोटेश्वर में होने वाली शिव पुराण कथा के लिए करूद कला मेले में आम जन से शामिल होने का आग्रह किया गया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि लक्ष्मी का सदुपयोग आपके द्वारा धर्म व पुनित कार्य में किया जा रहा हो। हजारों लाखों लोग धर्म से जुड़कर सनातन संस्कृति की गंगा में डुबकी लगाएंगे। आयोजन में सहभागिता से जनमानस की मनोवृत्ति धर्म के प्रति बढ़ेगी। सद्भावना से किया कार्य निश्चित रूप से सफल व भव्य होगा। उक्त प्रेरणादायक उद्गार करूद कला में जैन मुनि श्री आदर्श रत्न विजय ने शिव महापुराण कथा आयोजन शरद सिंह सिसोदिया द्वारा जैन उपाश्रय जाकर सौजन्य भेंट किए जाने के अवसर पर चर्चा में व्यक्त किए। सिसोदिया अपनी नियमित बैठक के अंतर्गत करूद कला पहुंचे थे। आयोजक सिसोदिया का ग्रामीणों ने साफा बांधकर स्वागत किया। महिलाओं को भी निमंत्रण पत्र देकर कथा के सहभागी बनने का आग्रह किया। दीपक गिरी गोस्वामी ने कथा में अपनी ओर से 2 टैंकर प्रतिदिन पानी के लिए उपलब्ध करवाने की बात कही। तत्पश्चात सिसोदिया मेला परिसर पहुंचे। यहाँ मेला समिति एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्पहारों से स्वागत किया। पंचायत द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच से उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने एवं सपरिवार धर्म लाभ लेने की बात कही। गुरुवार को सादलपुर पंचमुखी में भी आयोजन को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम का संचालन दिनेश रघुवंशी ने किया। आभार मुकेश सोलंकी ने माना। जानकारी आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी गोवर्धन सिंह डोडिया खिलेड़ी ने दी। बंटी सिंह चौहान की रिपोर्ट। के लिए हम सब तैयार हैं, पूरा जोर शोर से स्वागत करेंगे उनका और उनसे आशीर्वाद लेंगे हमारे क्षेत्र में। मैं ये पूरा कार्यक्रम जो है, ये बदनावर की जो दृढ़ निश्चिता है, बदनावर की जनता की जो सोच है धर्म के प्रति, मैं लगभग 3 सालों से बदनावर विधानसभा में हूँ और मैंने देखा है हर कार्यक्रम बड़ा बखूबी निभाते हैं यहाँ लोग और धार्मिक आयोजन तो इतना बढ़िया करते हैं कि मैं हमारे इंदौर में जाके मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर धार्मिक आयोजन आपको देखना है तो आप बदनावर में देखो। कई भंडारे समझता हूँ कि आए दिन मंदिरों में उत्सव मैं 3 साल से लगभग देख रहा हूँ और जब ये सब देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा बदनावर में होना चाहिए। मैंने उनसे बड़ा विनम्र निवेदन किया कि आप साहब पधारें और हमारे इस बदनावर की पावन धरा पर आप अपने कदम रखें। बदनावर पूरा आतुर है आपके स्वागत के लिए। यहाँ पर बाबा कोटेश्वर